है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एयरटेल एंड जियो के एक न्यू प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जो दोनों में आपको वैलिडिटी मिलने वाला है वो आपको 84 डेज का मिलने वाला है। सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं जियो और एयरटेल दोनों में क्या नए प्लान आए हैं, क्या उसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, 5G डेटा क्या रहने वाला है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जियो के प्लान से। तो जियो का जो प्लान स्टार्ट होता है उसका प्राइस है 909 रुपीज़, और इस प्लान में आपको Z5 और सोनी लिव का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। एंड वहीं आपको एयरटेल में 869 रुपीज़ का जो है आपको प्लान मिलेगा, जिसमें आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल वाला वेरिएंट मिलने वाला है। दोनों ही में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, दोनों ही में आपको 2GB हाई स्पीड प्लान मिलेगा 4G का पर डे, एंड यहाँ पे दोनों ही में 84 डेज का वैलिडिटी मिल जाएगा। 100 SMS आप डेली कर सकते हैं किसी भी नंबर पे, किसी भी फ़ोन पे। और यहाँ पे जियो में आपको जियो क्लाउड, जियो टीवी, जियो सिनेमा के फ्री जो है आपको एक्सेस मिलेंगे, एंड एयरटेल में आपको ये सब चीज़ नहीं देखने को मिलता है। वहीं आपको जियो में टोटल 168 GB टोटल डेटा मिलेगा, एंड सेम आपको एयरटेल में भी मिलता है। एंड नेट ख़त्म होने के बाद, जो डेटा है 2GB वो एग्जॉस्ट होने के बाद, आपको दोनों ही में अनलिमिटेड 64 KBPS का स्पीड जो है आपको नेट मिलेगा। और यहाँ पे जियो ट्यून्स जो है वो भी आप लगा सकते हैं, जियो में फ्री जियो ट्यून्स आप लगा सकते हैं कॉलर ट्यून, और एयरटेल में भी आपको जो है वो फ्री हेलो ट्यून्स का ऑप्शन मिलता है। और इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है, वो जियो का प्राइस है 909 रुपीज़, एंड जो एयरटेल है उसमें उसका प्राइस रखा गया है 869 रुपीज़। सो जियो का प्राइस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे आपको दो OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, Z5 एंड सोनी लिव, तो दो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और वहीं आपको एयरटेल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हैं एक 84 डेज का प्लान परचेस करने का, तो इन दोनों में से अगर आपका जियो तो आप जियो के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप एयरटेल के साथ। जियो का प्लान थोड़ा और अच्छा मुझे लगा है क्योंकि आपको दो OTT प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जियो क्लाउड, जियो सिनेमा और इन सब के जो आपको एक्सेस मिल रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।